नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके लिए मॉलिक्यूलर फार्मूला और एम्पिरिकल फार्मूला के टॉपिक को लेकर आए हुए हैं। मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है? द फार्मूला विच रिप्रेजेंट्स द एक्चुअल रेशियो ऑफ एटम्स ऑफ एलिमेंट्स इन द मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड इज नोन एज मॉलिक्यूलर फार्मूला। एक ऐसा फार्मूला जो किसी कंपाउंड के मॉलिक्यूल में एलिमेंट्स के एटम्स के एक्चुअल रेशियो को रिप्रेजेंट करता है, आप उसे मॉलिक्यूलर फार्मूला कहते हैं। हम एक एग्जांपल लेते हैं। यदि हम आपसे पूछते हैं मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ ग्लूकोज, मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ ग्लूकोज, तो आपका जवाब होता है C6H12O6। इसी तरह यदि हम आपसे पूछें मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ बेंजीन, तो आप कहते हैं इसका फार्मूला होगा C6H6। कहने का तात्पर्य यह हुआ कि जब भी कभी किसी से पूछा जाता है बेंजीन का मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है, तो वो हमेशा C6H6 बताता है। इसका अर्थ ये हुआ कि कार्बन 6 और हाइड्रोजन के 6 एटम का रेशियो एक्चुअल डिसाइड है। इसी तरह ग्लूकोज में 6 कार्बन और 12 हाइड्रोजन 6 ऑक्सीजन डिसाइडेड है, यानी ये कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का यहाँ पर एक्चुअल रेशियो है 6, 12 and 6। इसी तरह यहाँ पर भी C ratio H 6 and 6, ये मॉलिक्यूलर फार्मूला को रिप्रेजेंट करता है। अब इसके बाद हम चलते हैं एम्पिरिकल फार्मूला। द फार्मूला विच रिप्रेजेंट्स द सिंपलेस्ट रेशियो ऑफ एटम्स ऑफ एलिमेंट्स इन द मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड इज नोन एज एम्पिरिकल फार्मूला। हम यहाँ पर यह देखेंगे एक ऐसा फार्मूला जिसमें जिसके मॉलिक्यूल में एटम्स का एक सिंपलेस्ट रेशियो होता है, आप ऐसे फार्मूला को एम्पिरिकल फार्मूला कहते हैं। इसी को सिंपल फार्मूला भी कहा जा सकता है। हमने यहाँ पर अभी देखा बेंजीन का मॉलिक्यूलर फार्मूला C6H6 है। इसी तरह एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ बेंजीन लिखें, तो इसका मतलब होगा इसका सिंपलेस्ट फार्मूला लेना है, अर्थात कार्बन 6 है, हाइड्रोजन 6 है और ये 6:6 रेशियो है। यदि हम इस रेशियो को सिंपलीफाई करना चाहते हैं तो हमें इनको 6 से डिवाइड करना पड़ेगा। जब हम इसे 6 से डिवाइड करेंगे तो हमें फार्मूला मिलेगा C and H। तो एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ द बेंजीन CH होगा, मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ बेंजीन C6H6 होगा। अब हम मॉलिक्यूलर फार्मूला और एम्पिरिकल फार्मूला को और अच्छे से समझने के लिए पुनः दो एग्जांपल लेते हैं। हमने यहाँ पर कहा मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ बेंजीन ये होगा C6H6। यदि हम आपसे कहते हैं मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ एसिटिलीन, तो आप कहते हैं C2H2। अब यदि इसी में हम यहां पर जहां C6H6 लिखा हुआ है इसको सिंपलेस्ट रेशियो में कन्वर्ट करना चाहें तो हमें मिलेगा एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ बेंजीन इक्वल सिंपलेस्ट रेशियो में किसी ऐसे नंबर से डिवाइड करना है पूरे को जिससे डिवाइड हो सके, यानी 6 से पूरा डिवाइड हो जाएगा तो ये बन जाएगा C और H। इसी तरह एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ एसिटिलीन, तो एसिटिलीन को हम कितने से डिवाइड करेंगे, 2
उसी पूरे को डिवाइड करेंगे तो इसका भी एम्पिरिकल फार्मूला बनेगा सी एच। अच्छा, तो इसका मतलब यह है एक ही एम्पिरिकल फार्मूला कई कंपाउंड का भी हो सकता है, यानी बेंजीन का भी एम्पिरिकल फार्मूला सी एच और एसिटिलीन का भी एम्पिरिकल फार्मूला सी एच। हमने यहाँ एग्जाम्पल लिया था बेंजीन, बेंजीन का मॉलिकुलर फार्मूला C6H6 और एसिटिलीन का मॉलिकुलर फार्मूला C2H2। यहाँ पर हम बेंजीन का एम्पिरिकल फार्मूला समझें तो यहाँ पर मिलेगा CH। इसी तरह C2H2 का एसिटिलीन का मॉलिकुलर फार्मूला के बाद एम्पिरिकल फार्मूला पता करें तो इसमें भी 2 से पूरे को डिवाइड करेंगे तो हमें मिलेगा CH। अब हम पुनः किसी कंपाउंड का मॉलिकुलर फार्मूला पता करना चाहें तो कैसे पता करें। आप देख सकते हैं कि C6H6 से CH तभी बना जब हमने इसको 6 से डिवाइड किया। CH यहां पर तभी बना जब इसको हमने 2 से डिवाइड किया। मींस यदि इसको पुनः 6 से जिस नंबर से हमने डिवाइड किया था उसी से मल्टीप्लाई कर दे तो हमें क्या मिल जाएगा, पुनः मॉलिक्यूलर फार्मूला मिल जाएगा। इसी तरह CH को भी हम इसको 2 से मल्टीप्लाई करके, क्योंकि यहां पर हमने 2 से डिवाइड किया था तो 2 से पुनः मल्टीप्लाई कर दे तो हमें क्या मिल जाएगा, एसिटिलीन का मॉलिक्यूलर फार्मूला मिल जाएगा। मान लेते ये कंपाउंड ना हमें दिया होता तो उसका हम यहाँ पर लिखते हैं मॉलिकुलर फार्मूला। मॉलिकुलर फार्मूला इक्वल होता है, इसका नाम है एम्पिरिकल फार्मूला। और जहाँ पर 6 और 2 से मल्टीप्लाई किया है तो इसकी जगह कुछ भी हो सकता है जिसके लिए हम उसे कहते हैं n मान लेते हैं और उसको मल्टीप्लाई करेंगे n। n की वैल्यू कैसे डिटरमाइन करते हैं ये हमने सब मॉलिक्यूलर फार्मूला इक्वल एम्पिरिकल फार्मूला इनटू एन।